मैं अब जिक्र करूंगा मुकर्रम राना नईमुद्दीन साहेब इब्न मुकर्रम फिरोजुद्दीन मुंशी साहेब का, जिनकी वफात हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि मैंने कहा, एक डॉक्टर ने कहा कि इस किस्म के हवालत के लोग जो हैं, जिनकी टांगें भी सूजी हुई हों, वो तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ये ड्यूटी भी आगे खड़े हो जाते हैं। और इस बात पर उनको हैरानी थी डॉक्टर को। डॉक्टर तो हैरान होते होंगे, लेकिन इनको क्या पता कि इनमें एक जज्बा था, खिलाफत से प्यार था, उसके करीब रहने की तड़प थी, जो इनको मस्जिद में खींच लाती थी, ड्यूटी पर ले आती थी। बड़ी एक अजीब कहानी। महाद मेजर साहब का मुंडा एक अब्दुल कदीर से नसार, ये दो ड्यूटी तीन ड्यूटी थे। तहज्जुदी नमाज पढ़ रहे थे, पर नमाजी कोई नहीं था आया। जब मैं हजरत सलाम फेरे ही नहीं दो नफल पढ़ के, तो फिर मैं देखा तो बंदे ही बंदे उत्थे हो गए रिक्शिया से आ गए। तो इन्होंने कदीर ते नसार नू पकड़ लिया उन्होंने। 30-32 बंदे मस्जिद के अंदर आ गए और 30-32 बंदे बाहर से गए, हजे होर आ रहे थे काफले की शोरत मौलवी। कहते सब को मिटा देना, इन्हों के घर भी साड़ देना। तो इन्होंने कलमा मिटाना शुरू कर दिता और गेंदियाँ बेलचे मारने शुरू हो गया, मनार टा दौ। जब कलमा मनाने तो घोड़िया बन के कुर्सीढ़ियाँ ला के इन्होंने कम किया, तो मैं एक हवाई फायर किया। हवाई फायर से वो कहते यह जे पटाकों असी देखा हुआ, असी नहीं कभी भी डरेंगे। कलमा मिटाना मौलवियों का कम नहीं है, या ये वो इस्लाम के लीडर नहीं है भी जोड़े कलमा मिटाते, वो कोई इस्लाम इस्लाम तो उन्होंने है ही नहीं, जोड़े हजे भी कलमे मिटाते फिरते। कलमा तो ईसाई भी नहीं मिटाता। जब मेरे वालू वो मुड़े, मैं उधर फिर डायरैक्ट फायर दो किते। दो डायरैक्ट फायर करने के नाल दो बंदे तो मौके दे गए, एक जख्मी हो गया, और जख्मी नु लेके नठ गए। Although he had reacted in self-defense against the unprovoked attack of a violent sectarian mob, respected Rana Naimuddin Sahib was arrested. Worse, several notable Ahmadi Muslims who, far from being present, knew nothing of that morning's events, were also charged by Pakistan's unjust anti-Ahmadiyya authorities. ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਦ ਗ੍ਰਿਪ ਆਫ ਐਨ ਐਂਟੀ-ਅਹਿਮਦੀਆ ਡਿਕਟੇਟਰ। ਜ਼ਿਆਲ ਹਕਸ ਲਾਜ਼ ਹੈਵ ਫੋਰਸਡ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ IV ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਨਾਓ ਹੀ ਟਰਨਸ ਹਿਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਰਾਨਾ ਨਈਮੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਲੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਫ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਨਈਮ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲਿਆਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੌਤ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਕਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਤਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਘਬਰਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲਿਖਤੇ ਰਹੇ, ਅਬ ਤੋ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਬ ਤੋ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੋ ਜ਼ਿਆ ਜਿਸਨੇ ਚੰਦ ਅਹਿਮਦੀ ਮਾਸੂਮੋਂ ਕੀ ਜਾਨ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰੱਖੀ ਥੀ, ਜਿਸਕਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਕਾ ਲਿਖਾ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਨ ਮਾਸੂਮ ਅਸੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਗਰਦ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਕੇ ਪੰਦੇ ਮੇਂ ਫਸਾ ਬੈਠਾ ਥਾ, ਖੁਦ ਉਸਕੀ ਜਾਨ
खुदा की तकदीर के चंगल में आकर इस तरह हलाक हुई कि उसका जिसके जिस्म का जर्रा जर्रा उड़ गया। फिर वही घबराहट के खत आने शुरू हुए, फिर तकलीफ़ की खबरें आने लगीं और लोगों का ख्याल था कि ठीक है, मौत की सजा से तो बच गए मगर कैद से रिहाई की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इस कदर बुजदिली पाई जाती है पाकिस्तान में कि कोई वहम भी नहीं कर सकता था कि इन मौलवियों के खूनी चंगल से खुदा ताला इनको बाहर निकाल लेगा। इनके लिए दिल तरसा करता था, कोई उम्मीद की सूरत दिखाई नहीं देती थी। Respected Rana Naimuddin Sahib and his fellow prisoners of conscience had now spent more than 9 years in prison. Their case appeared hopeless. अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी रातों में मैंने अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर एक नए अंदाज से दुआ की कि हमारे असीरान राह मौला को अब रिहाई बख्श और अर्ज़ किया कि बहुत हो चुका, अब मैं और साल नहीं देखना चाहता, अब यही रमज़ान है, आखिरी रमज़ान मेरी इल्तिजाओं का, खुदा के लिए अपनी खातिर इसको सुन ले और हमें खुशखबरी अता फरमा। और एक हफ्ता अभी नहीं गुजरा कि आज फ़ोन पर इत्तला मिली है कि अल्लाह ताला ने उनको आज़ादी बख्श दी है। अजीम एहसान है, एक अजीब निशान है अल्लाह ताला का। आज मैंने अफ्रीकन के साथ मीटिंग में सिर्फ इशारतन ये कहा था कि खुदा ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी अता फरमाई है, इसलिए मैं आपको मिठाई खिला रहा हूँ और आपके लिए भी मैंने मिठाई तैयार रखी हुई है, ले आओ यहीं। इखलास अल्लाह दा बड़ा आसान और फजल है जो कि उन्होंने मनसूबे नाकाम कर सके। होर ही ठीक है, इधर आ गए, इधर आया नूं भी 25 साल हो गए हैं, तो वैसे अल्लाह ताला दा बड़ा फजल है। कुछ असीरान राह मौला हैं जिनको अल्लाह ताला ने मौत के चंगल से निकाल कर हैरत अंगेज़ एजाज़ के तौर पर आज हमारे दरमियान ला खड़ा किया है। इनको सीने से लगा कर दिल ठंडे होते हैं मगर वो 10 साल का अजाब कर्सा जिन्होंने गुजारा है उसका तस्वुर भी अभी तक भयानक है। राना साहब भी लिखते हैं, इनके बेटे, कि अक्सर उनकी मालिश किया करता था। एक दिन मैंने इनकी टांगों की मालिश कर रहा था, उनके घुटने के पास आया तो उनकी हल्की सी आवाज़ निकली। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कुछ नहीं। बहरहाल कहते मैंने ज़रा इसरार किया तो कहने लगे ये जेल की चोटों की दर्द है, हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और जेल में जब मारा जाता है बड़ा ज़ालमाना तरीके से पाकिस्तानी जेलों में मारा जाता है और इनसे बयान लेने की कोशिश की जाती थी कि चूंकि तुम अपने खलीफा के बॉडीगार्ड रहे हो इसलिए उन्होंने तुम्हें ये काम करने के लिए भेजा है कि इस तरह मुसलमानों को मारो, और मजबूर करने की कोशिश की गई कि जमाती अहदेदारान का नाम लें। इनके कहने पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, मगर आफरीन है इस शेर दिल पर जिसने निज़ाम जमात पर ज़रा बराबर भी आँच नहीं आने दी। अल्लाह ताला उनसे अगले जहान में भी प्यार और मोहब्बत का सलूक फरमाए और अपने प्यारों के कदमों में जगह दे।